भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज हुआ है, उसका रिव्यू तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि कल तकरीबन आपने देखा होगा, एक साल बाद पवन सिंह लाइव आते हैं काजल राघवानी के साथ अपनी फिल्म पवन पुत्र का प्रमोशन करने। लाइव आए पवन सिंह, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण पवन सिंह को दो बार लाइव आना पड़ा। चलिए, वो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं, लाइव आकर पावर स्टार पवन सिंह ने अपने फैंस को ये बता दिया कि उनकी फिल्म पवन पुत्र जल्द ही रिलीज़ होने वाली है। उस फिल्म का ट्रेलर शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रिलीज़ हो रहा है, तो अपना प्यार बनाए रखें। इस फिल्म के बारे में बताते हुए पवन सिंह ने ये भी कहा कि वो पहली बार इस फिल्म में डबल रोल प्ले कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा। लेकिन भाई, ये क्या, पवन सिंह के इतने अपील करने के बाद भी पवन पुत्र के ट्रेलर को वो रिस्पांस नहीं मिला जिस रिस्पांस की दरकार थी। ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह के बोलने के बाद छप्पड़फाड़ व्यूज मिलेंगे, अब पवन पुत्र का ट्रेलर वो रिकॉर्ड कायम करेगा जिस रिकॉर्ड के लिए पवन सिंह जाने जाते हैं। ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं पवन पुत्र के ट्रेलर की। तो आपको बता दें, पवन पुत्र का ट्रेलर रिलीज 7 बजे ही हो गया था। वर्ल्ड वाइड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार। तो भाई, आपको बताते हैं, फिल्म दो जुड़वा भाइयों की कहानी है, एक पवन तो दूसरा बजरंगी। फिल्म में दो हीरोइनें हैं, एक प्रियंका रेवड़ी और एक प्रियंका पंडित। एक भाई रहता है चालबाज दबंग, जिसके सामने किसी की कुछ भी नहीं चलती। ये है पवन की कहानी। लेकिन बजरंगी की कहानी, बजरंगी है मासूम भोला, जिसे कोई भी बेवकूफ़ बना ले। और बजरंगी के साथ ये बात है कि उसकी माँ उसकी शक्ल देखते ही उससे नफरत करने लगती है। लेकिन भाई, सब कुछ ठीक है फिल्म में। पहली बार पवन सिंह डबल रोल में आ रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो कमी दिख रही है। दिख ये रही है कि एक्शन की भरमार है, डायलॉग दमदार हैं। हाँ, आपको यहाँ ये बता दें डायलॉग के बारे में कि पवन सिंह हूँ बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, ये डायलॉग इस फिल्म में रखा भी गया है और इस डायलॉग पर एक गाना भी है। पहली बार भोजपुरी में ऐसा हो रहा है कि किसी डायलॉग पर गाना बना है। खैर, इस गाने में स्पेशल अपीयरेंस दिया है काजल राघवानी ने। इन दोनों की केमिस्ट्री जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। फिल्म के हीरोइनों की बात करें तो भाई, इस फिल्म में हीरोइनें शोपीस के रूप में हैं, जो कि ट्रेलर में देख के ही पता चलता है। और एक्शन की बात करें तो जिसके लिए पवन सिंह जाने जाते हैं उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन गाने इतने अपीलिंग नहीं लगते हैं। ठीक है, सुनने में एक गाना जो पवन सिंह हूँ बेटा मूड बनने में टाइम लगता है, इसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ी बहुत कुछ अच्छे गाने आपको आगे सुनने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रोमांटिक सॉन्ग की बात करें तो ट्रेलर में इतने अपीलिंग नहीं लग रहे हैं। हाँ, लेकिन लुक्स की बात करें तो पवन सिंह का दोनों लुक, पवन और बजरंगी दोनों वाला लुक काफ़ी बेहतरीन है। और बाद में पवन सिंह का एक ऐसा अवतार दिखाई देता है जिसमें पवन सिंह काफ़ी बूढ़े नज़र आ रहे हैं, वो लुक भी काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म के डायलॉग में कई ऐसे पंचिंग डायलॉग हैं जिन्हें आप अपने साथ घर ले जा सकते हैं, यानी इसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। रही बात फिल्म की स्टोरी की, तो भाई स्टोरी वही होगी घिसी पिटी फिल्मी, जो कि हर एक फिल्म में दोहराई जाती है। जुल्म व सितम से तंग हीरो, और फिर किस तरह वो विलन का सफाया करता है और हीरोइन को बाद में अपने दिल की रानी बनाता है, सेम यही है। हमने आपको शुरू में ही कहा था कि ट्रेलर में कुछ मिसिंग है। मिसिंग ये है कि पवन सिंह का वो जो चार्म, वो जो स्टोरी लाइन जो होती है पवन सिंह की, वो कहीं ना कहीं मिसिंग ट्रेलर में लग रही है। लेकिन ओवरऑल ट्रेलर की बात करें तो भाई, 5 out of 2.5 star, यानी 2.5 star इस ट्रेलर को हम देते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।